नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। आज हम एक नई तरह के फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। भारत में अलग अलग तरह के नए नए फ्रॉड सामने आते रहते हैं, चाहे मीडिया की बात हो चाहे प्रशासन की बात हो, हर कोई इन नए नए फ्रॉड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लोगों को काफ़ी तरह की कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, उनके साथ में कई नए नए तरह के फ्रॉड पाए होते रहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सोचते हैं कि हम कोई अननोन पर्सन पर यकीन ही नहीं करते हैं। उससे जो सही होते हैं वो भी मात खा जाते हैं, और जो गलत होते हैं वो अपनी बाजी तो कहीं ना कहीं मार ही जाते हैं। वो कुछ इस तरह से जाल साझा करते हैं कि लोगों से वो हज़ारों, 50,000, 1,00,000 तक की भी अमाउंट उनसे ले लेते हैं। आज हम बात करें एक नई तरह के फ्रॉड के बारे में, जो हमारी प्रगति मीडिया के अंदर ही करीबन 16 से 17 एप्लीकेशन आ चुकी हैं फ्रॉड्स इस संबंधित के बारे में, जो कि फ्रॉड जुड़ा हुआ है आपके फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से रिलेटेड। आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से रिलेटेड एक फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। हमारे पास में एक अलग अलग तरीके से कंप्लेंट आई है, उस बारे में हम आपको एक ऑडियो भी सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये फ्रॉड किस तरह से होता है और इसको किस तरह से अंजाम दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दें कि देखिए, आपको कोई फ्रॉड अगर आपके साथ में, अगर आपको लगता है कि कोई कहीं आपके संग में फ्रॉड हो रहा है, पहले देखिए आप ये निश्चित कर लें कि कहते हैं कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, इस तरीके से हर कोई फ्रॉड नहीं होता। ये आप माने या ना माने, ये लेकिन है ऐसा। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहे हैं या आप किसी को कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप पहले ज़रूर पूरी जानकारी ले लें, क्या वो कंपनी सही है, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, वो कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, जो नंबर वो यूज कर रहे हैं वो नंबर अभी रहता है, ये ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद में उनका नंबर ऑफ हो जाए, और क्या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से रिलेटेड। इसमें एक नया तरह का फ्रॉड हमारे सामने आता है, जिसमें एक लड़की की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के पास रिक्वेस्ट आती है जो कि पैसे वाले होते हैं या जिनके फ्रेंड फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनके पास रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट आने के बाद में वो लड़की उनसे कुछ अश्लील बातें, कुछ हालचाल जैसी बातें करती है, उनसे आपका सिटी, आप कहाँ रहते हैं उसके बारे में वो जानकारी ले लेती है, जिससे आपको आपकी लोकेशन के बारे में कुछ आप उसको आइडिया हो जाता है, उस लड़की को, कि आप कहाँ से बात करते हैं। उसके बाद में वो आपको व्हाट्सएप नंबर देती है। आपको व्हाट्सएप नंबर देने के बाद में आप सोचते हैं कि ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर उसको मैसेज कर लेता हूँ। आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वो भी तब भी आपसे थोड़ा बहुत बात करने के बाद में आपसे सेक्स, मतलब आपसे अश्लील बातें, आपसे अश्लील वीडियो की डिमांड करती है। वो कुछ अपनी अश्लील वीडियो भी आपके साथ में शेयर करती है, कुछ आपको इमेजेस शेयर करती है। आपको फंसाने के लिए जितना हो सके वो इतना आपको प्रयास करते हैं कि आप उनकी जालसाजी में फंस जाए। अब आप सोचेंगे कि आप उनकी जालसाजी में कैसे फंस सकते हैं अगर वो वीडियो या फोटोस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। फेसबुक से आपके रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप तक आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप कनेक्ट होने के बाद में आपको जब वो वीडियो या आपके साथ में इमेज सेंड करते हैं, तो वो आपसे भी आपकी वीडियो या आपसे इमेज मांगते हैं। कभी कभी वो क्या होता है कि आपको वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं, जिसमें वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के आपकी जो पूरी वीडियो होती है वो उसको आपको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद में फ़ोन कटने के बाद में वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो केवल व्हाट्सएप पर ही आपसे चैट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे में इनका पीछे ग्रो बैठा होता है, जिसको वह अपना रोजगार नहीं करना चाहते हैं। यूट्यूब से संबंधित बात करें तो इसके बाद में आपके पास में एक कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हैं जो उन्होंने व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग की हुई है, अगर आपकी वीडियो 95% अपलोड हो चुकी है, आप अगर अपनी वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हैं तो आप 25,50,000 रुपये दीजिए, इस तरह की आपकी डिमांड होती है। ज़्यादातर इस केस में एक नाम ज़्यादातर सेम आया है, अजय, अजय नाम से, अजय शर्मा, अजय गुप्ता, अजय, मतलब एक अजय नाम का सेम आया है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन उनके 4-5 लोगों का इनका एक ग्रुप होता है, जो कि ये इन ऐसे लोगों को फंसाता है जिनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग होती है। आपसे यही कहेंगे, हम अभी एक दो ऑडियो सुनेंगे जिसमें हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। आपसे ये कहेंगे, अगर आपको किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है, अगर आपके संग में कोई फ्रॉड हो रहा है, आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाएं, आप मीडिया को या हमें या आप मेरे को आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कहीं सुनवाई या आपके साथ में कोई नहीं खड़ा है, तो आपके साथ में प्रगति मीडिया या हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग देने का आपको प्रयास किया जाएगा।
और आप इसमें डरे नहीं, निश्चिंत रहे, निफर्ग रहे और आप इसमें घबराए नहीं, और हमेशा आप डट के हर चीज़ को चेक करने के बाद ही एक अपना डिसीजन लें। नमस्कार, अब हम आगे की वीडियो सुनते हैं। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सरगुजा से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हुई थी। जो फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट रिया नाम की लड़की भेजी थी, रिया पटेल उसका नाम है, और इसके बाद वह वीडियो कॉल के लिए व्हाट्सएप नंबर मांगेगी, व्हाट्सएप नंबर देती है, व्हाट्सएप से हाय लिख के भेजेगी, इसके बाद वीडियो कॉल करेगी। वीडियो कॉल के बाद जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाएंगे तो वह अलिस्टीन मैसेज भी करती है और वह अपने पूरे कपड़े हटा लेगी, और फिर जब वो वीडियो बन जाएगी तो वीडियो आपको फिर वो दोबारा रिटर्न भेजेंगे और पैसे मांगेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन जब मेरे पास ये सूचना आई और ब्लैकमेल करने लगे तो मैं अपने प्रगति मीडिया के मुखिया से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जब मैं उनसे किया, जब उनको जब उनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि यह सब फाल्स है और मैं उनके दबाव में नहीं आया, और फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया। तो आता है, आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको फेसबुक के माध्यम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और इस तरह से आपके साथ करता है तो सावधान हो जाइए, और कुछ नहीं होता उसके खिलाफ़ एक अभियान चलाइए। मेरे दोस्तों, सभी से निवेदन और अनुरोध है।